नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और खुश होंगे। आज जिस माँ के बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, वो एक ऐसी माँ है जिनका नाम आते ही ना हमारे मन में एक ऐसी छवि बनने लगती है कि वो माँ जिन्होंने अपने बेटे की खुशी के लिए भगवान राम को वनवास दिलवा दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ माँ कैकेयी की। पर क्या सच में माँ कैकेयी ऐसी थी कि उन्होंने अपने बेटे की खुशी के लिए भगवान राम को जंगल भिजवा दिया? या हमारी धारणा माँ कैकेयी के लिए गलत है? जी, अध्यात्म रामायण कहती है कि जब राजा दशरथ ने यह निश्चय किया कि भगवान राम को राजगद्दी पर बिठाया जाएगा, उनका राज्याभिषेक किया जाएगा, तो कुछ दिन बाद ही रात में जब माँ कैकेयी सो रही थी तो उनके स्वप्न में विप्र, धेनु, देवता सब इकट्ठे होकर एक साथ आ गए और हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े हो गए। कहने लगे कि माँ, दशरथ जी की बुद्धि तो जड़ हो गई है, वो भगवान राम को राजा बनाने जा रहे हैं। भगवान राम का जन्म किसी एक राज्य का राजा बनने के लिए नहीं हुआ है, वो इस धरती लोक पर आए हैं कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। कितने लोग हैं जो भगवान राम के हाथों उद्धार होने की प्रतीक्षा में हैं? अगर राम को राज गद्दी मिल गई, वो राजा बन गए, तो वो जंगल जाएंगे ही नहीं और उनका इस धरती लोक पे आने का उद्देश्य तो अधूरा रह जाएगा। इसलिए माँ, आप ही ऐसी हैं जो इस अपयश के विष को पी सकती हैं और भगवान को जंगल भिजवा सकती हैं। ये कहते हुए सारे देवता घुटनों पर बैठ गए। माँ कैकेयी की आंखें आंसुओं से भर गई। उन्होंने कहा, मैं अपने प्रिय पुत्र राम को जंगल भिजवा दूं, जिसे मैं इतना स्नेह करती हूं, लेकिन अगर मेरा ऐसा करने से मेरे राम के इस धरती पर जन्म लेने का जो उद्देश्य है वो पूरा होता है ना, तो मैं इस उद्देश्य को पूरा करने का माध्यम जरूर बनूंगी। मैं जानती हूं मुझे जीवन में बहुत अपयश मिलेगा, लोग कहेंगे कि मैंने अपने पुत्र भरत के लिए राम को छोड़ दिया, पर मैं जानती हूं कि मैं आज अपने पुत्र राम के लिए भरत का त्याग कर रही हूं, क्योंकि मेरे ऐसा करने के बाद भरत मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगी क्योंकि मेरे पुत्र राम का इस धरती पर जन्म लेने का उद्देश्य पूरा होना है। माँ कैकेयी ने ऐसा ही किया। उन्होंने अगले ही दिन भगवान दशरथ जी को उनके वचन याद दिलाए और उनसे मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए और भरत को राजगद्दी पर बिठाया जाए। आपको पता है भगवान राम ये सारी लीला जानते थे, तभी तो चित्रकूट में जब उनकी तीनों माँ उनसे मिलने पहुंची ना, तो उन्होंने सबसे पहले माँ कैकेयी के पैरों को छू के उन्हें प्रणाम किया, बाद में माँ कौशल्या और सुमित्रा को। क्योंकि राम को जन्म देने वाली भले ही माँ कौशल्या हों, लेकिन उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनाने वाली माँ कैकेयी थी। क्या अब भी आपको लगता है कि कैकेयी माँ ऐसी थी जिन्होंने अपने पुत्र की खुशी के लिए राम को वनवास दिलवाया? या एक ऐसी माँ जिन्होंने भगवान राम की खुशी के लिए अपने पुत्र का त्याग कर दिया? माँ कैकेयी राम को बहुत प्रिय थी, लेकिन हम उनके लिए ये धारणा लिए बैठे थे कि नहीं, कैकेयी माँ ऐसी थी, उन्होंने राम के साथ बुरा किया, जबकि सच तो ये है कि उन्होंने अपने प्रिय पुत्र राम की खुशी के लिए, उनके इस धरती पर आने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऐसा कदम उठाया था। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। अगले व्लॉग में फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।